Good morning, everyone. Good morning. So to start a beautiful day, we have, opportunity जो दरेक individual को और एक संस्था को life में एक बार मिलती है और उसको so वही opportunity 2019 में जो international development democratic education community conference हुई यूक्रेन में वहाँ पे सब वर्ल्ड वाइड से पार्टिसिपेंट आते हैं टू शेयर देयर यूनिक आइडियाज ऑन एजुकेशन एंड वो अपॉर्चुनिटी ओ एस एस को भी मिली और उसकी शेयर करने के लिए आई इनवाइट शीबा नायर फॉर दैट थैंक यू गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सो डेमोक्रेटिक एजुकेशन का विषय है कितने दोस्त यहाँ पे डेमोक्रेटिक एजुकेशन का जो विषय है कंसेप्ट उससे अनजान है या नहीं पता उनको या सुना नहीं है पहले डेमोक्रेटिक एजुकेशन ओके तो जितने लोग यहाँ पे हैं उनसे सवाल है जिनको पता है डेमोक्रेटिक एजुकेशन क्या है व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक एजुकेशन डेमोक्रेटिक एजुकेशन जितने लोग कह रहे हैं कि आप समझ पाए हैं व्हाट इज डेमोक्रेटिक एजुकेशन एनीबडी आई थिंक यस डेमोक्रेटिक इज अ वर्ड इटसेल्फ मींस इंक्लूड एवरीवन इंक्लूड्स एवरीवन गिव एवरीवन राइट टू स्पीच राइट टू लिसन देयर इज अ राइट एवरीवन हैज अ राइट एवरीबॉडी हैज अ राइट ओके यस राइट टू एजुकेशन Right to education, okay. You know, the system that gives a lot of freedom to the students and it doesn't impose anything, okay. But it's very liberal sort of education system, mm-hmm. like what we have in Summer Hill and what principles that OSS is practicing. Okay. So primarily you say a lot of freedom. Freedom, of course, freedom with responsibility, but it trusts the children and it yes. gives a lot of, they make them important. They give them freedom and they make them important, so they become responsible. Okay. Anybody? The choice given to the children, like whoever, if I am an educator or if I want to get education, whatever I feel, if I think that I can do it. Hindi mein democratic education ko lokshahi लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति थैंक यू जो मुझे करना मुझे अच्छा लगता है और मेरे चॉइस में मुझे लगे कि नहीं मैं कर सकूं वो मेरे लिए डेमोक्रेटिक ओके फिर सो फ्रीडम विद द चॉइस फ्रीडम विद चॉइस फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी यस जोली द वे डेमोक्रेटिक कंट्री में बाय द पीपल फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल होता है वैसे ही डेमोक्रेटिक एजुकेशन में भी ऐसा होता है कि फॉर द पीपल फॉर द चिल्ड्रन बाय द चिल्ड्रन एंड ऑफ द चिल्ड्रन ओके एनीबडी एल्स अ डिफरेंट वे ऑफ सो एनीबडी एल्स हु हैज अ व्हाट इज डेमोक्रेटिक एजुकेशन यस व्हाट आई एम गेटिंग दो आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन बट व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द शेयरिंग्स It ensures that every stakeholder in the system, education system, be it a teacher or community or the student, have their equal say that how it should go and how everybody should participate. Excellent. I think आपने एक बहुत important बात कही. Democratic education के दो important पहलू हैं जिन्होंने found किया है उनसे. उन्होंने जो कहा है कि वो सिर्फ बच्चों के की बात नहीं करता. वो ऐसा कहते हैं डेमोक्रेटिक एजुकेशन में ऐसी एक व्यवस्था जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स माने जिसमें टीचर्स भी आ गए प्रिंसिपल भी आ गए बच्चे भी आ गए एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आ गए जितने स्टाफ है सारे आ गए पेरेंट्स भी आ गए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कोई भी एक व्यवस्था की स्कूल की व्यवस्था में वो सारे लोग इक्वल है और उनको सबके पास इक्वल राइट है उन सबके पास वोट है वो सब मिल के वो स्कूल चलाते हैं तो द स्कूल विच इज रन बाय स्टूडेंट्स टीचर्स कितना अच्छा स्कूल होगा जहाँ सब लोग मिलके वो स्कूल चलाते हैं स्कूल में कोई भी डिसीजन लेना हो फीस से लेकर बजट से लेके उसमें कोई परेशानी होती है कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है वो सारे निर्णय जितने भी डिसीजंस हैं
वो सारे बच्चे और टीचर सब लोग मिलके साथ में लेते, सबका एक वोट, एवरीबडी हैज इक्वल एंड वन वोट. वो पहला दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन. और उसका जो दूसरा पहलू है वो बच्चों को जो सीखने आते हैं, बिकॉज वो सिस्टम इसीलिए है ताकि चिल्ड्रन लर्न, तो उसकी जो लर्निंग सिस्टम है उसमें बच्चों को ये चॉइस होती है, दे हैव द फ्रीडम टू चूज कि मुझे क्या सीखना है, किसके पास से सीखना है, कब सीखना है और कब नहीं सीखना और क्या नहीं सीखना. ये सारी चॉइसेस, कौन सा विषय मुझे पढ़ना है, मैथ्स नहीं पढ़ना तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे हिस्ट्री पसंद है मैं हिस्ट्री करूंगा, मुझे आर्ट्स पसंद है मैं आर्ट्स करूंगा, और कौन से टीचर मुझे सबसे अच्छे पसंद है जो मुझे अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, मैं उस टीचर के पास जाने का मेरे पास वो हक है, और जो टीचर मुझे लगता है कि मुझे नहीं समझ पा रहे या वो समझा नहीं पा रहे, मैं वो शिक्षक को मना कर सकता हूँ और दूसरे टीचर के पास जा सकता हूँ. ये सारे हक, बेसिकली इट्स अ लर्निंग सेंटर, बच्चा सीखे, वो सिस्टम की प्राइमरी कंडीशन है. तो जो व्यवस्था इस चीज पे फोकस करती है कि चाइल्ड इज गिवन द फ्रीडम टू चूज द लर्निंग सिस्टम, उसको डेमोक्रेटिक एजुकेशन बोलते हैं. दीज आर द टू साइड्स, टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन. और डेमोक्रेटिक एजुकेशन और ओएसएस का जो ड्रीम इंडिया कैंप है, जो इसके ऊपर से इंस्पायर हुआ है, वो उसमें एक डिफरेंस है. जो इट्स नॉट दैट ओएसएस डेमोक्रेटिक एजुकेशन का पार्ट है, उससे इंस्पायर हुआ है, मगर इट इज़ अ होलिस्टिक मॉडल. डेमोक्रेटिक एजुकेशन वो इसका एक हिस्सा है, पर वहाँ पे वो रुका नहीं है, उस इवॉल्व करके सिस्टम को और भी होलिस्टिक बनाया है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. मैं अभी वो बात शेयर नहीं करूँ क्योंकि पूरे प्रेजेंटेशन में उसकी बात आ जाएगी. और ओएसएस डेमोक्रेटिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दो हिस्सों में काम कर रहा है आज. एक ड्रीम इंडिया कैंप, जिसका दूसरा नाम है फ्रेंडशिप कैंप. जैसे ओएसएस का लाइफ कैंप है, लव कैंप है, जो छोटे छोटे कैंप है, दो तीन दिन के रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल. पर फ्रेंडशिप कैंप जो है, जिसको ड्रीम इंडिया कैंप बोलते हैं, वो कैंप 8 से 10 दिन का कैंप होता है, रेसिडेंशियल. प्राइमरली इट इज़ अ रेसिडेंशियल कैंप, जिसमें सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं. और ये जो मॉड्यूल है डेमोक्रेसी का, लोकशाही का, जो पार्लियामेंट में होता है, सारे मसले एक साथ मिलके सब सुलझाते हैं, वो माहौल उसमें तैयार होता है. और दूसरा हिस्सा है, ये जो बच्चों के लिए है, वैसा ही दूसरा प्रोग्राम है हमारा, उसका नाम है फ्रीडम पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स के लिए है, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क विथ द पेरेंट्स. और वो भी डेमोक्रेटिक एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स है, उसके साथ साथ दूसरे पेरेंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स है, वो होलिस्टिकली पेरेंट्स को सेंसिटाइज करने के लिए हम वो वर्कशॉप्स करते हैं. सो दीज आर द टू थिंग्स विच वी विल नो लिटिल लेटर ऑन ऑल्सो फर्दर. सो पहले सिर्फ इसका हिस्ट्री दे देती हूँ कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन जैसे स्कूल, जैसे हमारे सबकी स्कूल जैसे होती है कि सब बच्चे जाते हैं, सारे विषय दिए जाते हैं, सब पढ़ना पड़ता है, एग्जाम्स देनी पड़ती है, एग्जाम्स में पास हो तो ही आगे देना जाना जा सकते हैं, खास करके आगे की तरफ. और जो बच्चे बहुत कोट एंड कोट इंटेलिजेंस से यू नो क्वेश्चन में बहुत हाई होते हैं, वो ऊँची पढ़ाई के लिए जाते हैं. दैट इज़ हाउ द होल सिस्टम रन्स. मगर डेमोक्रेटिक एजुकेशन की जो ये फ्रीडम वाली या सबको समान हक मिले सीखने का, खुद का वो चॉइस ले पाए, उसकी पहली आई थिंक फॉर्मल स्ट्रक्चर 1921 में समर हिल स्कूल, जो ओएसएस के सब काफ़ी बच्चे जानते हैं, यूके के नज़दीक सफाक करके जगह है, उसके वहाँ पे बनी थी. एएस डॉक्टर एएस नील ने शुरुआत की थी. और आई थिंक उसके बाद आई थिंक यूएस में 50 साल के बाद 68 में सडबरी नाम की स्कूल, वो अलग मॉडल है, पर वो इस प्रकार माने बेसिकली वो बच्चों पे बहुत फोकस करते हैं. दैट इज हाउ द स्कूल स्टार्टेड. मगर डेमोक्रेटिक एजुकेशन, ये जो नाम टर्म सबसे ज्यादा जिसको फेमस किया या टर्म आया, ये इट हैपेंड आई थिंक इट वाज इन 87 याकोव इन इजराइल. इजराइल में आपको पता है बहुत मुश्किल परिस्थिति थी, डेमोक्रेसी जैसा कोई नाम ही नहीं था, बहुत एजुकेशन के नाम पे भी बहुत पुअर एजुकेशन था. और वहाँ पे याकोव वाज वन ऑफ द पर्संस की जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू की, और इतनी सारी शालाओं में उन्होंने काम किया, और इतना वो पॉपुलर हो गया, मुश्किलों में भी पॉपुलर जब हुआ, कि आज गवर्नमेंट ने वो चीज को एक्सेप्ट करी है, और गवर्नमेंट की सारी स्कूल्स अब डेमोक्रेटिक फंडामेंटल्स पे चल रही. दैट वॉज अ ह्यूज एफर्ट दैट ही डिड.
सो याकोब वॉज द पर्सन कि जिन्होंने डेमोक्रेटिक एजुकेशन इस दुनिया में इसराइल में और पूरी दुनिया में ले जाने के लिए वो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो दिस वॉज द जस्ट द हिस्ट्री दैट आई थॉट आई शुड गिव यू. और जो कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एजुकेशन कम्युनिटी आईडेक के नाम से मैं अभी बात करूँगी. आईडेक उसका शॉर्ट फॉर्म है. तो याकोब ने फर्स्ट आईडेक आई थिंक 1993 में इसराइल में पहला कॉन्फ्रेंस, जितने भी पूरे विश्व में ऐसे लोग थे जो बच्चों के लिए जिनको बहुत प्यार था और उनको ऐसा था कि ऐसा एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, ये स्कूल सिस्टम में से निकाल के बच्चों को एक फ्री एटमॉस्फेयर मिले, बच्चों को अपना हक मिले, बच्चे खुद सीखे, माने एक बॉक्स सिस्टम में ना सीखे, माने सबको एक तरह से यू नो मोल्ड किया जाए, फैक्ट्री की जैसी प्रोसेस है उसमें से बच्चों को थोड़ा राहत मिले और बच्चे खुद सीख सकें. आई हैव ऑल चिल्ड्रन सिटिंग हियर एंड इनफैक्ट हम लोग भी सब उस सिस्टम में से पास हुए हैं. हमें भी अगर ऐसा कोई सिस्टम मिला होता जहाँ मैं चूज कर सकती तो मुझे पता है कि मैं साइंस या मैथ्स की ग्रेजुएट नहीं होती, मैं पक्का ही पक्का आर्ट्स की ग्रेजुएट होती. एंड आई वुड हैव बीन सो हैप्पी हैविंग लर्नड वो किताबें पढ़ी होती, वो फिलॉसफी समझी होती, तो कितनी खुशी होती. ऐसे सारे बच्चे भी वो चीज़ को मानेंगे. सो जो कॉन्फ्रेंस था तो 93 में शुरुआत हुआ. हर साल ये इंटरनेशनल ये कॉन्फ्रेंस होती है और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने देश में ये प्रकार की एक पहल कर सके एंड दे कैन स्टार्ट दी मूवमेंट. और इसके बाद नए नए चैप्टर्स भी खुले हैं. यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर यूडेक शुरू किया, यूरोपियन डेमोक्रेटिक एजुकेशन कम्युनिटी. और उसके बाद एशियन पैसिफिक भी, माने एशिया और पैसिफिक जोन के सब कंट्रीज़ ने भी किया. और लेटेस्ट इंडिया में भी आईडेक का दूसरा एक चैप्टर शुरू हुआ है कि इंडिया में जितने भी स्कूल्स इस प्रकार की मूवमेंट को प्रमोट करते हैं वो लोग भी साथ में कर रहे हैं. और पिछले साल आई थिंक सॉरी 2018 में इंडिया में उसका कॉन्फ्रेंस हुआ था बैंगलोर में. तभी ओएसिस का फर्स्ट पार्टिसिपेशन था. वी हैड अ स्मॉल पार्टिसिपेशन पर वी जस्ट वांटेड टू नो कि कैसा ये पूरा प्रोसेस है और हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था. ये ओएसिस का पहला अनुभव आईडेक के साथ का था. उसी दौरान समर हिल स्कूल, जो आप लोग सब जानते हैं, मैंने आपको जो बात बताई द फर्स्ट द ओल्डेस्ट स्कूल, 100 साल हो चुके हैं 21 में, इट विल कम्प्लीट इट्स 100 ईयर्स, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन जो आज तक चल रही है लंदन के नज़दीक. तो उनके जो ग्रैंडसन है डॉक्टर एस नील के, हेनरी रेडहिट, वो हमने उनको इंडिया इनवाइट किया था 2017 में. कश्मीर के सब दोस्त भी जानते हैं और उन्होंने बड़ौदा, बैंगलोर, कश्मीर, जम्मू सभी जगह जाके बहुत अच्छे सेशंस लिए थे ताकि सब और भी टीचर्स इसमें शामिल हो. और जब वो हेनरी यहाँ पे आए थे तब उन्होंने ओएसिस का ड्रीम इंडिया कैंप एक्सपीरियंस किया. उन्होंने बच्चों को सुना, कश्मीर के बच्चों की भी बात सुनी, बैंगलोर के बच्चों की बात सुनी, गुजरात के बच्चों की बात सुनी और ही वॉज वेरी इम्पैक्टेड. उनको लगा कि ये जो काम हो रहा है इसमें कोई बात है. ये ऐसा हो रहा है कि हम जो हमारे स्कूल में बच्चे पूरे साल रहते हैं, इट्स अ रेसिडेंशियल स्कूल, जबकि यहाँ पे सिर्फ 7 से 10 दिन के लिए बच्चे रहते हैं. और ऐसा क्या हो जाता है 7 से 10 दिन में कि बच्चे जब जाने का नाम नहीं लेते, रो पकड़ एक पग दूसरे को पकड़ पकड़ के रोते, उनको जाना ही नहीं है, ये कैंप छोड़ना ही नहीं है, उनको ऐसा है कि हमें घर मत भेजो, हमें सिर्फ यहीं रहना है. ये क्या हो गया 7 डेज में? सो ये जो प्रोसेस थी तो वो उन्होंने समझने की कोशिश की और उनको लगा कि ओएसिस के पास कोई ऐसी चीज़ है जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात करने वाले दोस्तों को पहुंचनी चाहिए. और आई थिंक 2019 की शुरुआत में आई थिंक ही हैड कॉल्ड मी. और जब इंटरनेशनल ये 2019 में इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एजुकेशन का कॉन्फ्रेंस डिसाइड हुआ और यूक्रेन करके जो देश है, यूक्रेन सुना है आपने? यूक्रेन रशिया से कुछ वक्त पहले 91 में ही उसकी आई मीन इट हैज़ बिकम अ इंडिपेंडेंट कंट्री और अभी भी इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट कंट्री. एक ऐसा देश है जिसने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, World War I, II सबको बहुत झेला है और वहाँ की स्टोरीज उतनी ही, चेर्नोबिल, ये सारे बहुत सारे क्या बोलते हैं, यू नो वेरियस काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज एक कंट्री ने फेस किया, वैसा एक कंट्री. और यूरोप का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट कंट्री मगर वन ऑफ द पुअरेस्ट.
इतना सारा उसको सबने ले लिया है, उसमें से एक्सप्लॉइट किया है कि इट हैज दैट काइंड ऑफ अ कंट्री, बट अ वंडरफुल एंड अ ब्यूटिफुल नेशन, बहुत ही अच्छा देश. और उस देश में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ हुआ था. उसी के थोड़े वक्त पहले, कुछ महीने पहले, हेनरी हैड अ स्मॉल टॉक विथ मी और उन्होंने कहा कि शिवा, ओएसएस को इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना जी. हमने कहा हम डेमोक्रेटिक स्कूल नहीं है, हम तो कोई स्कूल चलाते नहीं हैं. तो उन्होंने कहा मगर आपके पास जो है वो विश्व को पता होना ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव समथिंग जो शायद बहुत बड़ा सोल्यूशन है. एंड आई थिंक दैट ट्रिगर्ड, और फिर हमारा करस्पॉन्डेंस हुआ, ही पुट अस द राइट पीपल एंड वी फाइनली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एजुकेशन कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस इन यूक्रेन, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन कॉल्ड कीव. और उसकी एक बहुत सुंदर सी जगह थी विनेत्सिया, वहाँ पे ये 4-5 दिन का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें हमने पार्टिसिपेट किया. आई थिंक विल जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड्स एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू गिव यू अ गो थ्रू टू इट. ओके, सो दिस इज विनेत्सिया एंड अराउंड 40-45 कंट्रीज पार्टिसिपेट और इनका उसमें करीबन 40-45 कंट्रीज में से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लीडर्स जो स्कूल के लीडर्स हैं या ट्रस्टीज हैं. यस, सो ये वेन्यू था, फ्रीडम का ही माहौल है क्योंकि डेमोक्रेटिक है सब. आई थिंक यू विल जस्ट सी दैट हाउ द वेन्यू इज ऑल्सो, इट्स अ ह्यूज कैंपस. सो हमें बुलाया गया था, हमारा जो टॉपिक था वहाँ पे सेशन का, अवर सेशन वाज कि हमने उसका टाइटल दिया था मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी इन 7 डेज, दैट वाज द टाइटल दैट वी हैड गिवन. और दिस आर दी शेड्यूल्स, उसमें ऐसा होता, मैंने आपको कहा कि माहौल बहुत फ्रीडम का होता है, सब अपनी तरह से बहुत क्रिएटिवली सब कुछ होता है. तो ये सेशन्स और शेड्यूल्स ऐसे ही लगाए जाते हैं और हमारा शेड्यूल वहाँ पर लगाया गया था कि ये वाला है. और या जस्ट फिनिश दैट, यस विल स्टॉप फ्रॉम मी. सो ऐसा होता है कि हर सेशन एक ही साथ, जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक सेशन हो रहा है, ऊपर एक सेशन हो रहा है, वहाँ पे क्योंकि इट्स यू नो सो मेनी कंट्रीज आर रिप्रेजेंटिंग, एक ही साथ में 5 से 7, आपने देखा होगा वो जो वर्टिकली कॉलम्स रखे हैं, वो इतने सेशंस, अराउंड 7 सेशंस पैरेलली चलते हैं. एंड द ऑडियंस वॉज अराउंड 150-200-300 जितने लोग ऑन ईच डे इनवेरिएबली. तो वो दैट इज हाउ दी सेशंस वर्क है, मैंने एक वक्त पे एक साथ 7 सेशन चल रहे, मैंने सारे ऑडियंस उसमें दे वुड सेपरेट. सो जब हम पहुंचे, हमारा सेशन दूसरे दिन पे था जिसका टाइटल मैंने आपको कहा मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी. मैंने प्राइमरली ड्रीम इंडिया कैंप का जो मैजिक है, ये 7 दिन में क्या जादू होता है, वो जादू की बात हम करने जा रहे थे. सो पर जब हम पहुंचे वहां पे एंड वी सॉ दैट देयर वाज अ स्लॉट ऑन द फर्स्ट डे, हम जल्दी पहुंच गए थे एक दिन. तो जो पहला इनॉग्रेशन का दिन था, उस दिन फॉर्चुनेटली हमने देखा कि एक जगह, क्योंकि सब लोग आए नहीं होते, सब कुछ आए होते कुछ नहीं आए होते, वो जगह खाली थी. तो हमने सोचा कि हमारे विषय के बारे में एक बैकग्राउंड देने के लिए लेट अस यूज, हमारा टाइम अच्छा यूज होगा. तो हमने कहा कि हम जितने दोस्त प्रेजेंट हैं उनके साथ हम एक सेशन रखते हैं, दिस वॉज द बैकग्राउंड. हमने सोचा लेट अस हैव अ बैकग्राउंड ऑफ द सेशन और उसका टाइटल हमने रखा था, कल शायद आपको संजय भाई ने कल या परसों भी बात की थी कि ओएसएस बहुत इंपॉर्टेंटली सवाल पूछने में मानता है और हम कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं मान लेते, कोई भी चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते अनटिल इट गिव्स अस द आंसर्स, और जो हमें समझ में आए वैसे सब वैसे आंसर. तो क्योंकि पूरा थीम कॉन्फ्रेंस का डेमोक्रेटिक एजुकेशन पे था, हमने उसी को सवाल किया. सो हमने सोचा लेट अस क्वेश्चन द वेरी प्रिमाइज, वही तो हमने वो वहाँ जाके टाइटल वहाँ पे जाके चिपका दिया. द टाइटल वाज व्हाई डेमोक्रेसी फेल्स, डेमोक्रेसी कैसे फेल हो सकती है उसके बारे में पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी कहीं कहीं पे फेल होती है तो अगर उसके आंसर हमने नहीं ढूंढे तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन में भी फेलियर रहेगी. नाउ व्हेन वी पुट दैट टाइटल दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ रिपल्स इन दी, हाँ पूरे ऑडियंस में जो भी लोग पढ़ रहे थे उनको लगा हम यहाँ पे सब डेमोक्रेटिक एजुकेशन के वो है, यू नो वी आर गार्ड्स ऑफ दैट,
और हाउ इज समबडी ट्राइंग टू क्वेश्चन दिस वेरी थिंग. बट वी थॉट सोच तो ऐसी डेवलप होती है. एंड टू आर यू नो गुड लक डेथ. आई थिंक दी होल उनको लगा कि इसको सवाल करा है तो लेट अस गो एंड आंसर दैट क्वेश्चन. ऐसा हो नहीं सकता, ये गलत है, ये सोच गलत है. एंड दैट इज हाउ ऑल दी मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर्स दे केम टू द फर्स्ट डे फॉर दैट फर्स्ट सेशन. अवर पर्पज वॉज एक्चुअली सर्वड एंड एवरीबडी अटेंडेड. एंड तो वो जो टॉपिक था, मैं सवाल आप लोगों को पूछ रही होगी, डेमोक्रेसी कब फेल हो जाती है, कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी फेल होती है. डेमोक्रेसी का मतलब लोकशाही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया. अब बताइए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहाँ कहाँ कौन से हालात में फेल होते हैं. यस रियल, व्हेन पीपल डोंट फील दैट दे आर द वंस रनिंग द कंट्री और दे डोंट फील दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और दैट बिलोंगिंग एंड दे जस्ट वॉन्ट टू लाइक स्टे देयर फॉर द सेक ऑफ इट, नॉट डू एनीथिंग अबाउट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, आई थिंक दैट इज व्हेन डेमोक्रेसी फेल्स. आप ऐसा कह रहे हो कि अपने जैसे अपना देश लोकतांत्रिक है, मगर बहुत लोकतंत्र है, सबके पास हक है, मगर कोई हक का यूज ही नहीं कर रहा, सब ऐसे ही बैठे. अब कर रहा है कोई, चार लोग कर रहे हैं देश को ठीक कर रहे, तो मुझे क्या करेंगे, मैं भी जा. सो पैसिव पीपल का ग्रुप है. तो जब आप वो बिलोंगिंगनेस या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करते हो तब आई थिंक तब डेमोक्रेसी फेल होती है. माने डेमोक्रेसी है देश में मगर उसका कोई उपयोग ही नहीं, कोई उसके कोई राइट्स को यूज ही नहीं कर रहा. ठीक है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई थिंक ये डेमोक्रेसी को जब सवाल करेंगे ना, तो हम सब सिटीजन है डेमोक्रेटिक कंट्री के, we should be questioning ourselves. मुझे लगता है कि जब responsibility और accountability का balance imbalance हो जाता है, means कि मैंने जिम्मेदारी ली लेकिन मैंने पूरी नहीं की, तो I am not accountable. वो accountability establish नहीं कर सकते हैं. जब democracy कैसे चलती है कि जब कोई लोग चुनते हैं किसी को लीड करने के लिए, तो दोनों की जिम्मेदारी होती है, लीडर दोनों तरफ होते हैं. तब उसमें से कोई एक माने कि जिसको सीट पे रखा है वही लीडर है और नीचे वाला लीडर नहीं है, तो ये वो भी अकाउंटेबल है कि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है और जो काम जिसको सौंपा है उसकी भी है. तो उसका जो इम्बेलेंस हो जाता है जब लीडर्स, व्हेन ओनली वन पर्सन इज कंसिडर्ड लीडर एंड अदर डजंट फील दैट ही इज अ लीडर, लीडरशिप कहीं से भी हो सकती है. एब्सोल्युटली, व्हेन दिस इम्बेलेंस इज देयर देन डेमोक्रेसी फेल्स. या आई थिंक क्लोज टू व्हाट शी वाज आल्सो सेइंग कि हमने लीडर चुन लिया, अब उनका काम है देश संभालने का, हमें तो कुछ करना ही नहीं, जिम्मेदारी फिर सब उसके उसके ऊपर है. यस, या आई थिंक इन द सेम वे इट्स एन इम्बेलेंस, व्हेनेवर देयर इज एन इम्बेलेंस बिटवीन राइट्स दैट डेमोक्रेसी गिव्स and the responsibilities that also the democracy gives. माने किस तरह से, आप बताइए. Yeah, for example, people know, अरे ये तो हमारा right है, या हम democratic country में रहते हैं, हमें कुछ भी कहने का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का अधिकार है. But that's half truth, because कुछ भी का everywhere, wherever there's a right, there's a responsibility. So you have to exercise your right responsibility. तो वो भी उसका भी balance. फिर मुझे कोई situation बताए जहाँ पे democratic system काम नहीं कर सकते, अगर कोई situation हुआ तो नहीं कर सकता. Yes. जो लोग स्पेसिफिकली रिपब्लिक में से है, वो भी खास बताए, अफसर भी हैं जो भी द फर्स्ट टाइमर्स. अगर देश के प्रति प्यार नहीं होगा तब भी डेमोक्रेसी फेल हो जाती है. अगर हमें देश के साथ प्यार होगा तो कुदरती बात है हम अच्छा बंदा चुनेंगे जो आगे जाकर अच्छा काम करेगा और देश के लिए. माने अगर माइंडसेट को कुछ इवॉल्व नहीं किया है, ऐसे सिस्टम डेमोक्रेटिक है जो हमारे देश का एग्जाम्पल है कि, और या कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप का कि है सेटअप, मगर उस प्रकार का इंसान बनने की अगर हमारे अंदर वो, हम उस तरह से इवॉल्व नहीं हुए थे, तो अल्टीमेटली तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम ही चल रही, चार लोग ही सब तय कर रहे और बाकी सब लोग उसको. या सो दैट इज ओके देन. यस, एनी वेयर डज डेमोक्रेसी फेल? डेमोक्रेसी केवल शासन की पद्धति नहीं है, जीने की पद्धति है. हम अगर जीते नहीं है डेमोक्रेटिक वे में तो डेमोक्रेसी फेल होती है. हाँ, सही बात है. माने अगर घर घर में डेमोक्रेसी नहीं है, बच्चों को कोई पूछता ही नहीं है कि भाई ओपिनियन दो, कोई अगर घर में डेमोक्रेसी नहीं है, माने द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ नेशन इज अ होम, इफ देयर इज नो डेमोक्रेसी देयर, व्हाट डू वी, व्हाट आर वी टॉकिंग ऑफ कि देश में डेमोक्रेसी हो. ठीक है, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फिर कहाँ पे फेल होती है? मेरा ये मानना है जब जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जब वो नॉर्मल
तरीके से काम नहीं कर पाते हैं तो दैट इज द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि मतलब एक हद तक काम करना होता है कि मतलब जब कोई सिस्टम बिगड़ जाता है तो वो हद पार कर जाता है। तो इसका ये मतलब है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो थे वो उससे तजावुज कर गए हैं, एक्सटेंड हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि दैट इज द डेमोक्रेटिक फेलियर। डेमोक्रेटिक तो वो कौन सी परिस्थिति पर, आई थिंक आई विल गिव एन एग्जांपल, जहाँ पे एजुकेशन नहीं होता है, मतलब अगर कोई लीडर आ गया ऊपर चुन लिया लेकिन अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि एक्चुअली ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सो उनको पता ही नहीं होता है और वहाँ पे देयर इज अ बिग चांस ऑफ फेलियर क्योंकि देयर इज नो अवेयरनेस एंड देयर इज नो एजुकेशन हैपन जो लीडर को इंश्योर करना होता है। ये सबके राइट है सब, माने उसका मतलब अगर कोई लीडर चुन लिया गया जिसका माइंडसेट ही पॉलिटिकल और डिविजिव है, वो लोगों को तोड़ के कर रहा है और लोगों में वो अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी वो लीडर अगर डेमोक्रेटिक जो भी लीडर बन गया वो उसका मिसयूज करके अल्टीमेटली वो सिस्टम को तो ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर ही सकता है या अपनी सेल्फिश नीड के लिए वो लोगों को मैनिपुलेट कर ही सकता है। माने डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी वो सिस्टम फेल हो सकती है। सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी ये है कि जाने मान लो कि कोई जगह पर डेमोक्रेटिक स्कूल कर भी ली और सब लोगों का राय, सबकी राय मानी जाती है, जैसे समर हिल स्कूल या कोई भी स्कूल में चिल्ड्रन आर आस्क्ड, ओपिनियंस पूछते हैं बेटा कि कैसे करें ये चीज। मान लो आग लग गई, इट इज अ क्राइसिस सिचुएशन, जब बहुत बड़ी कंफ्लिक्ट हो, क्राइसिस मोड हो, तब हमें कौन से किस प्रकार के डिसीजन चाहिए? इमीडिएट, इम्पोर्टेंट। और हाँ, और एक इंसान जिनको आपने लीडर चुना हुआ होता है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। उस वक्त पे अगर डेमोक्रेसी की बात करें, नहीं नहीं पहले इसको भी पूछ लेते हैं, आग लगी होती है तब वो कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा कि यूनिटी इन क्राइसिस, डिफरेंसेस इन इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड जेनरोसिटी एट ऑल टाइम्स। आई थिंक दैट इज व्हाट जेनरोसिटी एट ऑल टाइम्स का मतलब कि जब भी हम साथ में हो तब कोई किसी का कुछ भी बोल रहा हो तो वी ट्राई टू बी जेनरस कि वो क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। और इम्पोर्टेंट मैटर्स का डिसीजन लेना हो तब हमको डिफरेंसेस चाहिए ही, सब यस सर बोले ऐसा हमें नहीं चाहिए। मगर क्राइसिस जब होती है तब इट इज इम्पोर्टेंट कि सारी कम्युनिटी एक इंसान को फॉलो करे कि भाई यहाँ से निकलना। अगर तब अगर सबने डेमोक्रेसी का रास्ता लेने की कोशिश की तो वो बहुत बुरी तरह से फेल होती है। सो दिस इज वन सिचुएशन। फिर दूसरा, आई थिंक अगर डेमोक्रेसी को समझे तो वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को डिफर करता है, राइट? कि हम वोट लेते हैं कि भाई हमें ये डिसीजन लेना है, पार्लियामेंट में भी हमारे बच्चों की भी, तो मेजॉरिटी क्या सोच रहा है? तो अगर हाथ, तो हमेशा जो कम लोग जो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनकी आवाज हमेशा दब जाएगी। दैट इज व्हेन डेमोक्रेसी फेल्स। सो दीज आर दी क्वेश्चंस। अब जब हमने ये सवाल उस सेशन में उठाए तो वी वर सरप्राइज दैट जो पहले खुद डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे वही प्रिंसिपल्स बाद में कहने लगे कि एकदम बात सही है। और देन दे स्टार्टेड बिकमिंग ऑनेस्ट एंड उन्होंने कहा कि हम स्कूल में कैसी मुश्किलों का को फेस कर रहे हैं। कि जैसे मान लो कि कोई बच्चे हैं जो देर से स्कूल ज्वाइन करते हैं, 15-20 साल की उम्र हो चुकी है, बहुत ही डिफिकल्ट बैकग्राउंड आया है, बहुत ही वायलेंट टेम्परामेंट हो चुका है, वो अगर डेमोक्रेटिक स्कूल में उसको डाल दो तो सिचुएशन वो सारे बच्चों पर हावी हो जाता है और पूरे सिस्टम को उसने, वो एक लड़का पूरे स्कूल के सिस्टम को उसने तोड़ दिया। उन्हें कहा उनको सोल्यूशन नहीं मिला क्योंकि दे वर थिंकिंग कि बस हम ये सिस्टम बना देंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा, मगर दैट वाज नॉट द वे द सोल्यूशन हैपेंस। बट व्हाट वी डिड वाज कि सारे सवाल पूछने के कारण एवरीबडी थॉट कि ये कोई नई बात है, जो चीज़ हमने आज तक सोची नहीं थी, जो चीज़ हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट चल रही थी पर हमने इसका सोल्यूशन नहीं निकाला। तो वी थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स फॉर ऑल डेमोक्रेटिक स्कूल कि हमें इस बात को सोचना चाहिए। एंड दैट इज हाउ द पर्पस वॉज सर्व्ड कि हमने जो बैकग्राउंड दिया उससे वही वॉइस जो पर्पस से गया था वो हम सर्व कर पाए। एंड देन वी हैड द नेक्स्ट सेशन। सो वॉट वी हैड वॉज हमने सेशंस जो किए उसका जो सेकेंड सेशन था हमारा, तो जो मेन सेशन था, एंड मैंने आपको कहा कि हर सेशन में करीबन अगर 7 सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5-10-20 पीपल यूजुअली इन अ कॉन्फ्रेंस। मगर दैट सेशन आई थिंक वी हैड 70% ऑफ द ऑडियंस जो आए थे, मोर देन, क्योंकि वहाँ पे ऑल द लीडर्स ऑलमोस्ट वर देयर बिकॉज दे न्यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जो हम लोग सबको लीडर्स की तरह से
सोचना चाहिए. और वो टॉपिक था द मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी इन सेवन डेज और इन सेवन डेज और इन अ वीक. सो दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सेशंस दैट हैपेंड. और हमने उसमें यही बात इंट्रोड्यूस की जो मैं आप लोगों से अभी शेयर करना चाहती हूँ. वॉट इज द, आप कह सकते हैं कि वॉट इज द सीक्रेट ऑफ ड्रीम इंडिया कैंप. आप लोग सब ने उसकी बात करी होगी, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा. अगर आपको दो या तीन शब्द में कहना होगा, कहना है, तो वॉट, हाउ इज इट डिफरेंट यूजुअली? ये कैंप 7 दिन में ये जादू कैसे करता है, वो कोई कह सकता है, बच्चे भी कह सकते हैं जो लोग उसके पार्टिसिपेंट थे या आप में से. वॉट इज द मैजिक कि 7 दिन में ऐसा क्या होता है, कंप्लीटली स्ट्रेंजर चिल्ड्रन गेटिंग टुगेदर, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते. जब 7 दिन पहले होते हैं, मारा मारी करने का मन करता है, गाली देने का मन करता है, यार क्या, कैसी आदतें लेके आया ये लड़की ये लड़का. और यू हेट ईच अदर, यू हैव लॉट ऑफ, नॉट हेट ईच अदर बट यू ऑलमोस्ट गेट अपसेट विद एवरीबडी. क्योंकि किसी ने कल भी कहा था कि 2 लोग को साथ में रहना मुश्किल होता है, ये 100 लोग साथ में रह रहे 7 दिन तक और बहुत सारी मुसीबत है. बट व्हाट हैपेंस कि 7वें दिन 8वें दिन किसी को घर नहीं जाना. आई रिमेम्बर चिल्ड्रन टेलिंग मी कि मैडम मैं वो बस बाहर खड़ी है ना, उसके टायर को जाके पंचर करके आऊँ. मैंने कहा क्यों मैडम? मैंने कहा वो बस हमें घर ले जाएगी. एंड आई वाज लाइक, कैन यू इमेजिन द चिल्ड्रन आर थिंकिंग, द सेम चिल्ड्रन जो सेकेंड डे पे कह रहे थे हमें घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं मजा आएगा. व्हाट वाज द मैजिक? यस, हमें फ्रीडम दिया जाता है यहाँ पे. हाँ, और उसके साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. ओके, हमें समझाया जाता है कि हमें फ्रीडम मिला है. हमें फ्रीडम तो मिला है लेकिन उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, ये एक बात हो गई. पर ये डेमोक्रेटिक, प्लीज अंडरस्टैंड, डेमोक्रेटिक स्कूल्स में भी ये पूरा साल बच्चा रहता है, सब पूरी स्कूल चल रही है, सब लोग रेसिडेंशियल स्कूल में ही रहते हैं, उसमें भी ये थोड़ा है. हम इस पे ऐड भी करते हैं मगर वहां पे भी ये सिस्टम तो है ही. व्हाट इज द मैजिक? यस माथी, उनको बोलने दिया जाता है और हम लोग सुनते हैं, तो उनको वो भी मिलता है कि हम बोल पाते हैं. बहुत जगह उनको बोलने को नहीं मिलता है. ओके, और सुनने वाले नहीं मिलते. ओके, तो इसलिए वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, तो इसलिए वो ये भी पॉइंट डेमोक्रेटिक स्कूल में होता ही होगा कि बच्चे बोल सकते हैं क्योंकि उनको तो फ्रीडम है, सबका हक है, पार्लियामेंट है. वहाँ पे भी बच्चे अपने केसेस खुद लड़ते हैं, टीचर के सामने कोई प्रॉब्लम हो तो बात भी करते. व्हाट इज द मैजिक? यस डियर, एंड देन ऋत्विक. आई थिंक इज इट बिकॉज इट इज रेसिडेंशियल, सो यू आर, दैट्स, दोस स्कूल्स आर आल्सो रेसिडेंशियल, देन आई थिंक लव. यहाँ पे स्ट्रक्चर है तो उनको ये फ्रीडम तो दी जाती है लेकिन ये टाइम पे ये कर दे तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे के माइंड में से निकल जाए. तो अगर वो कहीं पे खो जाते हैं तो उनको गाइड भी मिलता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाता है. वेरी गुड, वो एक है. ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट दीना बहन. देयर इज नो जजमेंट और नो पनिशमेंट by the adults, but the only with the compassion of the children, and they all decide together, so there is comfort there. Okay, there is comfort there. So there is love and comfort given to them. So. Okay. I think first Aruban and then Chandaben and then. I think I have heard quite a lot of these kids who have attended these camps, and they say that the love that we get here. And the importance, that is everybody said. So basically, they feel that they are running the show. They are governed by their own selves. That is very important. Okay. That's what I feel. Okay, governed by, yes. यहाँ पे है ना ट्रस्ट ट्रांसफर किया जाता है. अगर बड़ों से भी गलती होती है और खड़ा किया जाता है तो गलती मानी भी जाती है और उसको एक अश्योरेंस मिलता है कि हाँ मैं भी सही हूँ. एक ये भी बात है. और वो पूरे दिन हम उसको कुछ बोलते नहीं है, हर बार उसको सुनते हैं, ऐसा तो वो देखता है हमारे में, पर साथ साथ में हम खुद क्या कर रहे हैं वो भी वो ऑब्जर्व कर रहा है. तो उसको वहाँ पे वो एक ऐसा वो आइडियोलॉजी तो ढूंढ नहीं रहा है, उसको प्रेरणा तो चाहिए ही. तो वो यहाँ पे उसको पूरा प्रेरणा का पूरा पूरा स्रोत वो फैसिलिटेटर और फैकल्टी में भी मिलता है. okay. उसको ये भी समझ में आता है कि मेरे पास भी अधिकार है कि मैं प्रश्न कर सकूं, इसीलिए वो जवाबदारी वाले प्रश्न करता है. ओके, ऐसा मुझे लगा. हाँ, ठीक है. तो आप ऐसा कह रहे हो या ऋत्विक? आई थिंक वी मिस्ड इट. आई नेवर अटेंडेड एन एनडीएजी, आई नेवर गॉट अ चांस, बट आई थिंक द फर्स्ट डे यू सेड दे वर मतलब दे वो लोग झगड़ रहे होते और लास्ट डे वो सब मतलब अलग नहीं होना चाहते. आई थिंक द फर्स्ट डे
the introduction sessions. In the introduction session, we know each other's potential, what we want to do, what he or she want to do. That's why some frequency matches I hear. बट नहीं, अगर आपने नहीं किया होगा शायद आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, मगर वो सिर्फ इंट्रोडक्शन, दो दिन तक तो अभी भी लड़ाई चल रही होती, जाना ही है घर, ठीक है? तो आपकी बात सही है कि एक अच्छी प्रोसेस देते हैं जहां पे एक दूसरे की पहचान होती है। I think, did I miss somebody in the back? Yes, first. Yes, going purely by the word magic that you have used, I don't think that it can be rationalized by any particular word. So it has to be a magical experience when a group of children come together. Yes. I think it's a sense of collectiveness, mm-hmm. The collective sense of victory and the collective sense of failure, which very probably good. Bonds people together. And this is the, only the sense of collectiveness which not which doesn't let people part with each other. जैसे आप सवाल मैं आपको सवाल करी, वैसे ये सवाल हमने भी किया था अपने आप को, बिकॉज वी नो कि वो 7 दिन में 10 दिन में ही हो रहा है प्रोसेस, कि व्हाट इज दी ये सीक्रेट क्या है, कुछ तो हो रहा है, तो क्या है, इज व्हाट वी वर आल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड वी अंडरस्टूड व्हाई वी आर डूइंग इट. सो फर्स्ट ओके एनीथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सेड जुनैद, आई विल आस्क यू एंड पूर्वा फर्स्ट. या बहुत क्विकली एक दो शब्द उदय भाई. हाँ उदय भाई, यस. So, it is a love but unconditional love. Okay. And that love generates a self-confidence in each individual. Beautiful. And that is the bonding. Okay, very good, very good. Yes, Junaid? बच्चा पूरा 7 दिनों में खुल जाता है. हाँ. वो मतलब अपनी शेयरिंग करता है, जो उसने कभी किसी के साथ बांटा नहीं होता है, वो वहाँ पे अपने जो मतलब उसका हेड होता है कैंप का, उसको कहता है. तो उसको क्यों कहता है वो? बच्चे ही कैंप चला रहे होते हैं, तो फिर मतलब कि जब एक हमारा सेशन लगता है, सर्कल में बैठ के हम शेयरिंग करते हैं, अपने दुख बांटते हैं, तो जो जिसने कभी किसी का शेयर नहीं किया होता है वो भी रो रो के बोलता है. और मेरे लिए वो पॉइंट था वहां पे कि जो कभी बोल नहीं पाया वो भी बोल रहा है और उसका मन हल्का हो. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई थिंक यू गॉट क्लोजर टू द पॉइंट. आई थिंक दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड देम द प्लेटफॉर्म where they can give vent to their thoughts. Yes. Any thoughts where they can express freely, where then their this talent comes out, so they enjoy greater freedom, and it is because of that they do not want to leave this. Very good. I think I'll stop the answers here. I think we just closed. हमने answers almost close ले के लिए कर लिए. Sense of equality. Do you know that sense of equality, rights, ये सब US, UK, सब बाकी सब देशों में भी ये elements है. So वो यही करने की कोशिश करें. पर हमने उनको सवाल किया क्योंकि ज़्यादातर देश ऐसे भी थे जो developing nations थे, including US is also, I'm saying it is, उनको भी ऐसे विषयों का सामना करना पड़ रहा है. हमने ये सवाल किया कि जो देश में democracy हो या नहीं भी हो, मगर democracy होने के बावजूद अगर democratic mindset और environment नहीं है, या घर में या स्कूलों में या समाज में, जैसे पिताजी तय करते हैं ना कि तुम्हें क्या करना है, माँ तय करती है ना तुम्हें क्या करना है, मुझे बोलने का हक नहीं है, तो डेमोक्रेसी तो नहीं हुई. तो बचपन से ही डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में जो बच्चा बड़ा नहीं हुआ है, उस बच्चे के लिए, और एस्पेशली दूसरा सवाल ये था कि बहुत ही अब्यूजिव और यू नो क्या बोलते बैकग्राउंड, अब्यूजिव बैकग्राउंड का मतलब कि बहुत मार खाया हो, बहुत सारा सुना हो, जो हमारे आस इतना कॉमन है, इतना नेगेटिव बैकग्राउंड के अंदर से जब बच्चे आते हैं और ऐसे माहौल में जब बच्चे आते हैं जब डेमोक्रेसी का कोई डी भी किसी को अंदाज़ा नहीं है, वो बच्चों को अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम वाली स्कूल में सिर्फ डाल दें तो वैसे बच्चे क्या उसमें खिल पाएंगे? मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे सवाल है, मुझे अपने आप पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और मेरे आसपास ऐसे बच्चे जो अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, वो बच्चा आप साइकोलॉजिकली सोचिए वो बच्चे की क्या हालत होगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है या कम? द होल कॉन्फिडेंस. सो देयर वाज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर इमीडिएटली ऑल द कंट्रीज, जैसे रशिया है, यूक्रेन है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स में से पार हो रहे हैं, वो सब बड़े बड़े देश हैं, और इंक्लूडिंग यूएस एंड यूके, कि जहाँ पे उनको पता है कि अगर बैकग्राउंड में ऐसा माहौल नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर दे दो तो बच्चा उसमें भेज जाता है. फिर कुछ लोग बोलते हैं मगर वो एक बच्चे की जो यूनिकनेस है वो कभी बाहर नहीं आती. सो ये व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन, फिर हमने दूसरा सवाल ये भी कहा कि अनडेमोक्रेटिक स्कूल्स में, कॉम्पिटिशन्स के वाली स्कूलों में
जो बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, वो अभी आज मैं नई डेमोक्रेटिक स्कूल बना लूँ, वो लड़का 10 साल से ऐसे स्कूल में, अगर मेरी स्कूल में अगर आता है, वो बच्चों को हम हील कैसे करें? क्योंकि पहली ज़रूरत है कि वो बच्चे को हम हील करें, उसके उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो कन्फ्लिक्ट है, उसमें से वो बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है, फिर वो हेल्दी होता है और फिर डेमोक्रेसी को ले सकता है। माइंडसेट पहले उसका चेंज होता है, वो उसके लिए अडेप्ट कर सकता है, वो बोलना सीखता है, उसके बाद उसको बोल सके वैसे माहौल में रखो, फिर वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाता है। तो कहाँ है, उसको कहाँ तक लेके जाना है, वो यूनिक जर्नी को समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर हम उसको कोई भी सिस्टम में, डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक किसी में भी डालें, उसके पहले ये करना ज़रूरी है। तो हमने भी ये सवाल अपने आप को किया था कि हमारे देश में ऐसा पॉसिबल है कि हम सिर्फ डेमोक्रेटिक स्कूल खोल दें, अब बचपन से बच्चे को रखो तो कोई दिक्कत नहीं, पर आज के बच्चों को जब 4-5 साल ऑलरेडी इसमें 5-10 साल निकल चुके हो, वो बच्चों को कैसे हम हेल्प करें? और दूसरी बात ये, हमारा देश तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, कितना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने सारे बच्चे, हाफ द पॉपुलेशन इज यंगस्टर्स, वो बच्चों को अगर मैं एक स्कूल खोलती हूँ तो कितने बच्चों तक पहुँचूंगी? 500, 1000, 5000, 10000। तो स्कूल खोले बिना भी छोटे से वक्त में हम बच्चों की हीलिंग की प्रोसेस एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं, बाद में फिर उनके लिए जो भी स्कूल अच्छी हो उनमें उनको भेज दो, मगर सबसे पहला ज़रूरी है कि हम वो जो माहौल में है उस माहौल से उनको पहले एक स्वस्थ इंसान बनने की जर्नी की तरफ पहले वहाँ पे लेके आए, एंड देन वी टेक देम फर्दर। सो दिस वॉज द क्वेश्चन व्हेन वी आस्क देम, और उसके बेसिस पे हमने कहा कि मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी 7 दिन में जो होता है उसमें, इसीलिए वो इतना मैजिक होता है क्योंकि हमने सिर्फ डेमोक्रेटिक एजुकेशन के प्रिंसिपल्स को इसमें डाला नहीं, हमने पूरे विश्व में आज तक सदियों से जो भी द बेस्ट प्रिंसिपल्स दैट वर अवेलेबल, वो मॉन्टेसरी की हो, वो गिजू भाई की हो, वो गांधी जी की नई तालीम हो, जिस किसी इंसान ने भी बहुत सच्चे दिल से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए कुछ किया हो, वो सारे प्रिंसिपल्स को हमने चुने और इसमें डाला। और हमने 3 बुक्स वो कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किए कि ओएसिस का ड्रीम इंडिया कैंप वो सिर्फ समर हिल बुक पे आधारित नहीं है, दूसरी 2 बुक को इंट्रोड्यूस किया विच बिकेम वन ऑफ द अगेन द मोस्ट पॉपुलर थिंग इन दैट कॉन्फ्रेंस। वो पहली बुक है डिब्स इन सर्च ऑफ सेल्फ। अब कितने लोगों ने ये बुक समझ जानी है, आई थिंक ओएसिस के L3 फ्रेंड्स को सबको पता ही होगा, बट डिब्स इन सर्च ऑफ सेल्फ वो एक कहानी है एक बच्चे की, प्रोग्रेसिव देश की, यूएस यूके वाले देशों में से एक बच्चा जिसके माता पिता बहुत ही पैसे वाले हैं, मगर जो उसके साथ कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है उसका शिकार एक बच्चा, जो कोई स्कूल उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था क्योंकि वो बच्चा टूट चुका था अंदर से, वो ना किसी के साथ बात कर सकता था, किसी के साथ बोल सकता था, टेबल के नीचे चला जाता था, वो स्कूल में बैठने को तैयार नहीं था। ऐसे एक बेटे को जब सब स्कूल्स ने उसको निकाल दिया, पेरेंट्स के पास पैसे थे, सब दे सकते थे, मगर बच्चा स्कूल के अंदर फिट ही नहीं हो रहा था, तब लास्ट चांस की तरह उनको एक बहुत अच्छी शिक्षिका मिलती है, वर्जीनिया एक्सेलेंट। इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स अ केस स्टडी दैट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, एंड हाउ वर्जीनिया एक्सेलेंट जो साइकोथेरेपिस्ट है, वो प्ले थेरेपी करके एक मेथड है जिससे वो बच्चे को कुछ ही वक्त में, कुछ ही हफ्तों में, जो बच्चा किसी के साथ बोलता नहीं था, इमेजिन विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अफर्मिंग, इतना करके एक बच्चे को कम से कम शब्द में उस डिप्स को एक ऐसा इंसान बनाते हैं, वो ऐसा बच्चा स्टूडेंट बनाते हैं, जो वो स्कूल में जब प्रॉब्लम होती है एक स्टूडेंट की तो वो लड़का खड़ा होता है, जो बोल नहीं सकता था, ही स्टैंड्स अप अगेंस्ट द एंटायर स्कूल सिस्टम टू सेव, टू डू द राइट थिंग फॉर हिज फ्रेंड, ऐसा एक डिप्स वो बनता है। और फाइनली एक मोड़ पे वो अपने पेरेंट्स को हील करने की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, माने जो बच्चा हर्ट हुआ होता है पेरेंट्स से, कल वो ऐसा सशक्त बनता है युवा या टीनेजर, यंग एडल्ट, कि वो अपने ही माता पिता को, ही हेल्प्स देम टू कम अराउट। हाउ वन टीचर कैन मेक अ डिफरेंस, ये काम किए बिना सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन नॉट हेल्प चिल्ड्रन। सो दैट इज़ व्हाट डिप्स करके वो बुक इंट्रोड्यूस की हमने, और दूसरी तीसरी बुक थी उसका नाम है डिफरेंट ड्रम, आपने सुना है डॉक्टर एम स्कॉट पेक, ओएसिस की जो सेकेंड ईयर की वर्कशॉप्स है लव की, उसमें एक नई डॉक्टर एम स्कॉट पेक ने लव पे बहुत काम किया है, प्यार प्रेम करके जो शब्द है उस पर,
डिफरेंट ड्रम वो कम्युनिटी के लिए है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए है. कम्युनिटी माने हम सब लोग एक समान, एक ऐसा ग्रुप बने कम्युनिटी का वेयर एवरीबडी इज इक्वल. जैसे हम लोग सब बैठे, ना छोटा है कोई बड़ा है, एवरीबडी इज एट दी एट वन एंड. दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी जो आंसर है वर्ल्ड पीस का. अगर विश्व कम्युनिटी बन जाए कि सब डिफरेंसेस हो मगर फिर भी हम साथ में रह सके, ऐसे इंसान बन पाए, उसकी प्रोसेस क्या है, उसका साइंस क्या है. तो ये तीन किताब है, समर हिल, डिप्स एंड डिफरेंट ड्रम. ये तीनों बुक, हमने कहा ये तीन बुक हमारी मेजर है, वरना बाकी सब बहुत सारी जितनी भी अच्छी चीज़ें हमको विश्व से मिली है, हमको लगा कि वो चीज़ हम 7 दिन में कैसे डाल सकें. एंड दैट इज़ वाई द मैजिक वर्क्स, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट द पार्लियामेंट मगर स्टार असेंबली है. बच्चों को सुनते कितनी सारी चीज़ें, हर बच्चा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहता 7 दिन में कि जिसको खुद के बारे में अच्छी बात सुनने नहीं मिली हो, जो ऐसा बोल के नहीं जाता नहीं यार मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ. दैट इज़ द मैजिक ऑफ लव एंड यू से ऑफ अफर्मेशन ऑफ लिसनिंग. और जो वो प्रोसेस हम 7 दिन में करते हैं, आई थिंक ये सेशन में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड लिया. ये बात करते करते हमने कहा कि ये सिर्फ सिस्टम नहीं है ड्रीम इंडिया कैंप का, पर जो इसमें फैसिलिटेटर्स होते हैं, हमने ये मुद्दा उठाया कि आप बच्चों को बहुत, बच्चों का विकास बहुत सोच रहे हो, पर जो इंसान खुद का नहीं कर रहा हो वो बच्चों को क्या सिखाएगा? जो खुद सुन नहीं पाता वो बच्चों को क्या सुनेगा? दैट वॉज द क्वेश्चन दैट कम्प्लीटली चेंज देयर माइंड. कि हम सिस्टम बच्चों को कुछ हेल्प कर रहे, बच्चों को हेल्प करे, पर हम अपने आप को तो कभी हेल्प करने की बात सोची नहीं थी. और मुझे पता है कि वो लास्ट 10-15 मिनट में एक, आई मीन 70-80% ऑफ द ऑडियंस वर क्राइंग. ग्लोबल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पहला किस्सा था कि जब हमको हमारे होस्ट ने कहा कि एवरी पर्सन गोइंग आउट ऑफ द हॉल, रोते रोते सब बाहर जा रहे थे, क्योंकि उनके लाइफ की सबसे, उनका जो पेन था, वो बच्चों के पेन को हील करने की बात छोड़ो, उन्होंने अपने पेन को भी अभी तक टच नहीं किया था. उन्होंने कहा, उन्होंने तभी कहा कि ऐसा करो कि आप लोग यहाँ पे 3-4 दिन है, हमारी वर्कशॉप आप लोग ही ले लो. हमने कहा कि नहीं, हमारी 4 साल की वर्कशॉप है. इट इज वेरी टचिंग, वेरी हार्ड फॉर मी, बिकॉज इंडिया बहुत हम्बल कंट्री है. हमारे पास, हम ऐसा सोचते कि इतना इंटेलेक्चुअल ग्रुप है क्या ऑफर करे, पर जब दिल की बात कही तो उनके दिलों तक गई. और उन्होंने कहा कि बच्चों को छोड़ो, पहले काम हमारे पे करना है. आपने मैरिज की बात कर ली, हमारे सब टूटे फूटे घर है, तो सबके टूटे फूटे घर वैसे में रहने वाली मैं जब बच्चों के सामने जाती हूँ, वैसा ही टूटा फूटा दिल है ना मेरा. मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छी तरह बात नहीं कर सकती, अपने बच्चों के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं, मैं को क्या जाके अपने स्कूल के बच्चों को सिखाऊँ. तो जब हमने कहा कि हमारा काम बच्चों के साथ कुछ नहीं करना है, बच्चे को तो सिर्फ ऐसे लोग आसपास मिल जाए ना जो अच्छे इंसान हैं, जो बच्चों को सुनते हैं, बच्चों को सच्चे दिल से प्यार करते और उनको अफर्म कर सकते हैं सच्चाई से, प्रेज नहीं, अच्छी तरह से उनको समझ के उनकी पोटेंशियल को आगे लाने की कोशिश करते, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन देन. सो दैट वॉज द हाईलाइट ऑफ द सेशन. और देन उन्होंने कहा कि क्योंकि हम 3 दिन देना तो नहीं वाले थे सबको वर्कशॉप, तो उन्होंने कहा कि जितने भी टॉपिक्स आपने अभी बताए उसके कुछ मॉड्यूल्स अलग अलग, क्योंकि अलग अलग कंट्री से आए थे तो कुछ को इंग्लिश नहीं समझ में आता है किसी, तो हमारे सब सेशंस में उन्होंने अलग अलग इंटरप्रेटर्स रखे थे कि कोई रशियन में बता दे, कोई दूसरी लैंग्वेज में बता दे, यूक्रेनियन में. तो हमारा एक सेशन जितना वक्त होता था हमें अंदाज़ा नहीं था, वो डबल टाइम लेता था, मगर दैट इज़ हाउ. देन वी इंट्रोड्यूस 3 मोर सेशंस उसके बाद के दिनों में. सो एक सेशन लेने गए थे, वी केम बैक विथ डूइंग 5 सेशंस एट दी कंपनी. वी जस्ट फेल्ट दैट इट वॉज द नीड, और ये बात जानी चाहिए क्योंकि हम अटक नहीं जाने चाहिए. ओएसिस प्राइमरी इज एन इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन. हम भी कोई चीज़ आज इवॉल्व, आज हमने बनाया पर कल लगा कि इसमें कुछ नया आ सकता है तो तुरंत उसको इवॉल्व कर दिया. मैंने हमारा कोई भी प्रोग्राम, L3 भी कोई अटेंड करता है, अगर 5 साल पहले अटेंड किया है आज आएगा तो मॉड्यूल चेंज हो चुका होगा, बिकॉज वी थिंक कि दैट इज हाउ वी आर लर्निंग. सो द 3rd सेशन था हमारा, वो आई थिंक दे आर ऑल सेशन राइट, वी आर जस्ट गोइंग. सो हमारे उसका टाइटल था, आई थिंक आई होप यू आर ऑल इन द अटेंशन मोड, और उसका टाइटल था डिप्स इन सर्च ऑफ सेल्फ. जो बुक है हमारी, हमने कहा कि वो लड़का, अगर वो लड़के को वर्जीनिया एक्सीलेंट नहीं मिली होती, वो प्ले थेरेपिस्ट, और अगर उसको समर हिल में भेज दिया होता स्कूल में, सो डिप्स
at Summer Hill in India. Which means Indian society का background अगर है उसके family में society में और वो लड़का ऐसा जो ऑलरेडी इतना दुखी था और इतने प्रॉब्लम्स थे और अगर उसको यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक समर हिल जैसी स्कूल मिल जाती तो उसकी क्या हालत हो जाती. एंड दैट इज व्हाट वी डिड इज वी क्वेश्चन एवरीथिंग. जो चीज़ हमको ऐसा लगता है कि नहीं दिस इज द सोल्यूशन वी सेड लेट अस क्वेश्चन. वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज, वी आर हियर टू क्वेश्चन. एवरीथिंग इज डूइंग सो वेल बट लेट अस गो बियॉन्ड इट. हमें उससे ज़्यादा करना है कुछ. और सो हर चीज एक डिबेट थी और सवाल पूछे गए. सब आई थिंक हेनरी वॉज ऑल्सो देयर. इज सच अ वंडरफुल काइंड फ्रेंड. और अरे हमने सबने शेयरिंग किया, सब सीखे, वो भी सीखे, हम भी बहुत सारा सीखे क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे अच्छे इनपुट्स थे और हमें सीखे. सो दैट वॉज द थर्ड सेशन. उसके बाद दूसरा एक सेशन हमने किया, वो मैं आपको भी सवाल पूछती हूँ कि कोई भी शाला या कोई भी स्कूल की सबसे पहली 10 इम्पॉर्टेंट एसेट क्या है. पहला कौन सा, दूसरा कौन सा. एसेट का मतलब पता चला चिल्ड्रन, व्हाट इज एसेट. एसेट हिंदी शब्द समृद्धि, संपत्ति. कोई भी शाला के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या है, चलो यही बता दो. उसके अंदर की सबसे कौन सी चीजें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी स्कूल के लिए. यस, टीचर, चिल्ड्रन, एनवायरमेंट, जोशी सर, पेरेंट्स, पेरेंट्स, लव, सिलेबस एंड बुक्स, सिलेबस एंड बुक्स, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ट्रस्ट, trust. Okay, so this session was taken on a board. It was an outside session. दो तीन सेशन हम बाहर को कैंपस ऐसा था, मैंने कहा फ्रीडम वाला एनवायरमेंट जिसको आना है स्कूल में जैसा था ना वैसे ही था. तो हमारे अंदर तो दो दरवाजा बंद कर देते मगर वहाँ पे ऐसा था चाहे आए चाहे जाए. मगर हमने जब वो सेशन किया दैट वॉज प्राइमरीली फॉर दिस मेजरली जो पार्टिसिपेंट्स थे मॉस्को की पूरी टीम थी रशिया से. बिकॉज उन लोग इंडिया से वो कनेक्ट करते थे, जो हालात हमारे हैं वैसा ही इकोनॉमिकली और कॉन्फ्लिक्ट वाइज वो कंट्री थी. तो दे वॉन्टेड दैट सेशन. तो मैंने बोर्ड पे लिखा फर्स्ट, नहीं पहला क्या नाम बोला था, टीचर्स, सेकेंड टीचर्स, थर्ड टीचर्स, फोर्थ टीचर्स, टिल 10th इट वॉज टीचर्स. अगर कोई भी इंसान स्कूल को बनाता है वो सिर्फ टीचर है ना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर. उनके आंसर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, टेबल चेयर भी होनी चाहिए. हर कब सब लोग कोशिश करते हैं ना कि स्कूल में ये सब हो ना तब बच्चे अच्छा पढ़ते. देर इज ओनली वन मोस्ट, 10 के बाद फिर लगा लो फिर आप जो भी, पर वो टीचर जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो. इसीलिए वाई ओ एस एस फोकस इज सो मच ऑन ओनली क्रिएटिंग राइट पीपल क्योंकि दैट इज द होल पॉइंट. एंड आई रिमेंबर समबडी टेलिंग मी When I was stressed about making this building, ये building बनाने की, अगर ये नहीं बनी तो मुझे किसी ने जवाब दिया कि हमारा काम थोड़ी रुकेगा, पेड़ है ना वहाँ पे, पेड़ के नीचे शुरू कर लेंगे. Work cannot stop because if you are the teacher and there are children in front of you, you don't need anything else. Primarily you don't need. तो कोई भी स्कूल की सबसे first 10 assets है वो टीचर्स हैं. And that was such a beautiful session. और सब लोग ने अंदर introspect किया कि हम शिक्षक कहनाने के लायक हैं, किस प्रकार के शिक्षक है, किस प्रकार के इंसान हम हैं पहले. दैट इज वॉट इंट्रोस्पेक्टेड एंड दैट ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ वेरी हार्ट वार्मिंग सेशन. और लास्ट जो सेशन था हमको लगा कि आने के टाइम भी हमने धमाल किया था तो जाने के टाइम सबको यही सवाल से हमने एंड किया. और वो टाइटल था इज डेमोक्रेटिक एजुकेशन इनफ, विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ द एंटायर कॉन्फ्रेंस. कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन की स्कूल्स का कॉन्फ्रेंस है तो हमारा सवाल था कि क्या वो काफी है. एवरीबडी हैड टू थिंक एंड आई थिंक क्वेश्चंस बहुत सारे चीजों का सलूशन बन जाता है. और बहुत सारे सवाल जो आपको भी होंगे हमको होने चाहिए कि क्या डेमोक्रेटिक एजुकेशन से हर बच्चे की यूनिक पोटेंशियल बाहर आएगी, क्या हर बच्चे के हर्ट को हम हील कर पाएंगे. तो ये दिस आर द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स उनको आई थिंक दे वर यू नो सेल्फ सबको पता ही चल गया कि ये आंसर डेमोक्रेटिक एजुकेशन से सॉल्व नहीं होगा, अभी हमको यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है. सो दैट इज़ हाउ वी वेंट एंडेड द कॉन्फ्रेंस एंड इट टर्नड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल. मैंने जो मीनिंग, ऐसा नहीं था कि हम ओएसएस की कोई बात करने गए थे, हमने एक मुद्दा उठाया
और मुद्दा सबके दिलों तक लेकर गए कि अगर प्यार हमने करना नहीं सीखा, अगर टीचर्स और फैसिलिटेटर्स ने नहीं सीखा, तो बाकी की कोई भी प्रोसेस हम कर लेंगे, कोई भी सिस्टम हम बना लेंगे, वो सिस्टम बनाने के कारण वो जो मकसद है हमारा वो हासिल हो वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं। वो अच्छा स्टेप है, वो शुरुआत का स्टेप है। लेट अस नॉट स्टॉप एट दैट। हमें यहाँ से आगे जाना है, हमें अपने ऊपर पहले काम करने की शुरुआत करनी। दैट इज़ हाउ वी एंडेड एंड आई थिंक गो अहेड। यस, आई थिंक समरी था। यस, ओके। हम बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वर्ल्ड के, दे कनेक्टेड विथ अस, और हमने कोशिश की है कि इनके साथ हम ब्रिज बनाएं और फ्यूचर में हम कैसे इस चीज़ों को विश्व की अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लीडर्स के साथ शेयर करें और हम आगे लेके जाएं। याकोव, मैंने कहा आपको, कहा ही इज़ द फाउंडर ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन मूवमेंट, इसराइल के जो है, बहुत ही सुंदर इंसान जिन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया है। सो ही वॉज वन वेरीना, ये न्यूजीलैंड के हैं जिन्होंने, जो बहुत ही सेंसिटिव है एनवायरनमेंट को लेकर, बच्चों को कैसे हम सेंसिटिव कर सके। देन बैस है, ही ये टीओटी क्रिएट करते हैं, डेमोक्रेटिक एजुकेशन का जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत यूनिक मॉडल है, बहुत क्लोज टू व्हाट ओएसिस डस, और बहुत ब्रेवली उन्होंने ये नेदरलैंड्स में उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। स्टॉप एट एवरी पर्सन, या थैंक यू। बर्लिन, यस, दिस हर नेम इज आई थिंक आई हैव रिटन हर नेम समवेयर, या शी इज डोरोथिया। सो डोरोथिया, शी इज अ कंसल्टेंट। वो क्या करते हैं कि सिर्फ स्कूलों में नहीं पर हर ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कॉर्पोरेट हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई ऑफिस हो, वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक एजुकेशन कैसे हो, वहाँ पे भी वर्कर्स और सब लोग साथ में मिलके कैसे करें, और वो जर्मनी, बर्लिन जैसे कंट्री में, डिफिकल्ट कंट्री में करने की कोशिश करिए। यस यस, वन पर्सन फ्रॉम इंडिया हु वाज देयर विथ अस, ही इज जोसेफ सर, एंड वो चेन्नई से है, और वो नेबरहुड कम्युनिटी बिल्ड करने का, डेमोक्रेटिक नेबरहुड कम्युनिटी, माने हम सब स्कूल में करते हैं वो गांवों के छोटे छोटे गांव में, जैसे हम ग्राम सभा बोलते हैं ना, उसमें डेमोक्रेसी कैसा है, हर छोटे छोटे नेबर में, अगर मेरा शहर है तो मेरा जो इलाका है, या जैसे अलकापुरी है, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक कम्युनिटी क्रिएट करें, जो लोग पूरे उतने रीजन का की जिम्मेदारी ले सके और डेमोक्रेसी से कर सके, वो लोग हैं। फिर तरस है, ये दे आर ऑल पीपल, आई थिंक यू कैन गो फॉरवर्ड, दे आर ऑल पीपल फ्रॉम, जो लोग डेमोक्रेटिक एजुकेशन के लिए काम करते हैं। हाँ, ये जिन्होंने गांधी स्कूल कोरिया में शुरू किया है, इमेजिन ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जिनको, और बिकॉज वी वर ऑल्सो टॉकिंग गांधीयन फिलोसफी, सो ही इज कगेत्सी, आई थिंक दिस इज स्पेलर, कगेत्सी हैज दी, जिन्होंने ये मूवमेंट जापान में शुरू की है, और ही इज, उन्होंने करीबन 500 स्कूल्स में जापान में शुरुआत की है, और अभी 4 साल का जैसे ओएसएस का कोर्स है, वैसे 4 साल का वो भी टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो ए वेरी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन की कौन सा मॉड्यूल कैसे फिट करो जिसके कारण शिक्षकों के अंदर ये प्रकार की सेंसिटिविटी आए। ये याकोव की ही टीम है, दलित एंड या मितल एंड दलित, बोथ आर वर्किंग विथ याकोव, वंडरफुल प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स। ये जिन्होंने अभी इंडिया से कनेक्टेड है इन लोग, मगर अभी वहाँ पे शिफ्टेड है, इस्टोनिया में नई स्कूल शुरू कर रहे हैं, चार्ली एंड नतालिया, बोथ ऑफ देम। यस, ये सब वहाँ के जो दोस्त बने, जो लोग हमारे जो प्रिंसिपल से, वो वहाँ के स्कूल में कैसे ले जा सके। ही इज पीटर सडबरी स्कूल, जो नेदरलैंड्स में चलाते हैं। सब युवा है जो लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ फेस ऑफ वंडरफुल पीपल, जो लोग हम लोग वहाँ पे मिले, कितने सारे लोग मिलके अलग अलग देशों में इतना सारा काम डेमोक्रेटिक एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। दे आर फ्रॉम यूएस, सैन फ्रांसिस्को। We were not there yet. So I think that was about the conference that we did, and that I think it was a beautiful process. और हमने ये, हमारा future intention ये है कि अगला जो conference है वो नेपाल में है 2020 में, October में, and because all of them said कि हमें ये process का अनुभव करना है थोड़ा, तो थोड़ा मुश्किल है, हम उसके लिए इतने तैयार, इतने जल्दी नहीं है कि नहीं हमें पता नहीं, we are trying to gear it up. पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि नेपाल, क्योंकि इंडिया से नज़दीक है, तो सबका ये कहना था, प्रपोजल ये था कि इंडिया, अब नेपाल तक आ ही रहे हैं तो हम
आपके यहाँ आ ही सकते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव द प्लेस टू होस्ट इट. सो दिस लीडर्स हैव रिक्वेस्टेड कि हम वो नेपाल के कॉन्फ्रेंस के पहले या उसके बाद ओएसिस में 7-8 दिन का प्रोग्राम रखें जहाँ पे वो सब आ सके. नॉट प्रॉमिसिंग बिकॉज वी स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हम इतने कम, तो ये सब एक साल पहले प्लान करना पड़ता है. वी आर ऑल्सो बहुत सारी चीज़ों में से हम भी गुजर रहे हैं अभी, तो मुश्किल है थोड़ा, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक ऐसा एक कॉन्फ्रेंस इंडिया में वही दोस्तों के लिए करें, ताकि हम ये बात, बच्चों की जो बात है, बच्चों के दिल तक पहुँचने की बात है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन को होलिस्टिक बनाने की जो बात है, इवॉल्व करने की जो बात है, वो हर लीडर्स के दिल तक पहुंचा पाए, वो बात कह पाए. आई थिंक विद दिस आई एंड द सेशन, एंड आई थिंक यू कैन जस्ट हैव अ ग्लिम्सेस ऑफ, जस्ट गिव अ रन थ्रू ऑफ 3-4 मिनट्स ऑफ वीडियो फॉर दैट. What is the first session? The second session? Translator. That's Henry. Third session. Tennisers. That's the Russia group from Russia. This is a close group. जो लग last दिन पे सब लोग जो थे. Thank you.
not a question, in fact, a very long unanswered question got solved right now. मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो सुकमा वहाँ का एक जगह है, इट्स अ हाईली कॉन्फ्लिक्ट जोन बिकॉज ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट, तो वहाँ मैंने कुछ दिन काम किया था एंड आई गॉट सम स्टूडेंट हु वर फ्रॉम नक्सल फैमिलीज आर हैव बीन इन्वॉल्व इन नक्सल एक्टिविटीज, तो गवर्नमेंट ने मॉडल स्कूल बना के उनको एजुकेशन सिस्टम में लाने की कोशिश करी थी, बट अटेंशन रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और स्कूल छोड़ के चले जाते हैं और कई बार इस तरीके से छोड़ के जाते हैं कि यू कांट इमेजिन. सो ड्यूरिंग आई वॉज कोऑर्डिनेटिंग वन स्कूल, एक बच्चा जो कि पहले नक्सल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था वो स्कूल छोड़ के गया था एंड ही जम्प्ड आउट फ्रॉम सेकेंड फ्लोर जस्ट टू एस्केप फ्रॉम दैट स्कूल. फ्रॉम माई साइड आई वॉज डूइंग एवरीथिंग एज अ कोऑर्डिनेटर, मैं उसी स्कूल में रहता था, अपनी तरफ से मैं एज अ कोऑर्डिनेटर जितना बच्चों के लिए कर पाता वो मैं कर रहा था, बट ही मेरे ड्यूरेशन में आई फेल जस्ट वन स्केप, बट आई कुडंट फाइंड द आंसर कि व्हाई. सो नाउ मुझे उस टाइम ये बस लगता था मैं लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता था क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज गोंडी है और पढ़ाई पूरी इंग्लिश में होती थी, तो एक प्रॉब्लम मैं देख रहा था एंड आई वॉज मैं कोशिश कर रहा था कि ये सॉल्व हो जाए, बट गवर्नमेंट के लेवल तक वो जा नहीं रही थी. बट द सेकेंड थिंग कि वो जो डिसिप्लिन हमने क्रिएट करने की कोशिश की थी वहाँ पर, आई एम फाइंडिंग कि वो डिसिप्लिन उन्हें कितना हार्म कर रहा था. सो दैट्स इट, थैंक्स. जो भी एजुकेटर से फर्स्ट टाइम अगर ये बात सुन रहे हैं, प्लीज गो थ्रू दिस थ्री बुक्स, डिब्स इन सर्च ऑफ सेल्फ. अगर आप बच्चों को प्यार करते हैं और लिसनिंग सीखना चाहते हैं, जो स्कंदन सर शायद पहले दिन बोले थे कि हाउ लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, तो वो डिब्स इट्स बिकॉज इट्स अ रियल स्टोरी. एक शिक्षक काफ़ी है, कितना भी हर्ट हुआ हो बच्चे को, पर वो इवॉल्व इंसान होना चाहिए. अगर वो खुद अपने आप को समझ सकता है, यू डोंट इवन नीड टू गो थ्रू दैट साइकोलॉजी का कोर्स. अंडरस्टैंड इट, टेक इट टू द यूज योर हार्ट एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू हेल्प. सो आई थिंक डिब्स इन सर्च ऑफ सेल्फ है, डिफरेंट ड्रम है, समर हिल स्कूल है जो बुक है, ये सारी किताबें इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है, तो आई थिंक इट विल गिव अ बिगनिंग एंड आई थिंक वी वुड ऑल्सो वेलकम एनी प्रोसेस एट ओएसएस जो आप देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, विच इज़ वॉट वी रिपीटेडली से कि कुछ देख ऐसे से ही समझ पाएंगे, वो उसको खुद अनुभव करना पड़ेगा बिकॉज यू विल फील इट इन योर हार्ट. मैंने जो कॉन्फ्रेंस में व्हेन वी स्पोक इट फेल्ट इन देयर हार्ट दे एक्चुअली वांटेड टू एक्सपीरियंस. अगर सुन के अगर दिल को छूता है तो वो अनुभव कैसा होगा. सो आई थिंक एवरीबडी इज़ वेलकम, मोस्ट वेलकम, कि आप लोग को कभी भी एक्सपीरियंस करना हो, मोस्ट वेलकम टू अटेंड एनी ऑफ द प्रोसेसेस एट ओएसएस सो दैट यू कैन टेक इट बैक टू द चिल्ड्रन जहाँ पे भी आप लोग. सो थैंक यू. यस जयेंद्र जी, गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है इसमें, एक्सेप्ट कर रही है फिलोसॉफी. याकोब की बात तो सुनी इसराइल ने, वी आर होपिंग यस, इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो, आई थिंक इट इज़ नॉट वन पर्सन. ये तो सबसे पहला तो हम लोग उसको, हमारे अंदर लोगों को एक्सेप्टेंस आए, हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को. एक इंसान सिर्फ इसको एक्सेप्ट करेगा उससे बात नहीं बनेगी, ये सब लोग, सारे स्टेक होल्डर्स जो कह रहे थे ना, सारे लोगों को इसमें इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. इफ़ वी ट्रूली लव द चिल्ड्रन और नेक्स्ट जनरेशन, या हम समाज के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, नई पीढ़ी के साथ जो काम करना चाहते हैं, बच्चों के साथ, तो ये सारी चीज़ों को सब लोगों को साथ में मिलके करना पड़ेगा और यही हमारी कोशिश है. Let's stand up for Shiva Ben and Sanjeev Bhai. So big a responsibility now that we have. We यहाँ पे बात रख नहीं सकते क्योंकि देश के बच्चे नहीं, हर देश के बच्चे भी अपने ही बच्चे हैं, क्योंकि for us the child matters. So the whole thing is from the sense of responsibility. How do we reach every child awaiting there somewhere in a corner is what the heart of this tries to seek. And we hope and we pray that we will be able to deliver tomorrow. I think that's the only prayer.